तो यार जैसे कि आपको पता है फ्लिपकार्ट और अमेजोन में अभी सेल होने वाला है। फ्लिपकार्ट में रिपब्लिक डे सेल होने वाला है, अमेजोन में ग्रेट इंडियन सेल होने वाला है और दोनों सेल का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज मैं बताऊंगा 10,000 के अंदर कौन सा मोबाइल बेस्ट है दो सेल में और 5,000 के अंदर कौन सा मोबाइल बेस्ट है दो सेल में, 8,000 के अंदर कौन सा मोबाइल बेस्ट है दो सेल में, 12,000 के अंदर कौन सा बेस्ट है, 14,000 के अंदर कौन सा बेस्ट है, 16,000 के अंदर कौन सा बेस्ट है, 22,000 अंदर कौन सा बेस्ट है। तो कौन सा बेस्ट मोबाइल है दो सेल में जो इस सेल में बिकने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको हेल्प हो जाए कि कौन सा मोबाइल आप परचेस करें आपका बजट के हिसाब से। तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सच में एक बेस्ट मोबाइल खरीदना चाहते हैं आपका प्राइस रेंज में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। सो लेट्स स्टार्ट। तो यार वैसे तो आपको पता होगा दोनों सेल के बारे में, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म होगा, क्या क्या ऑफर है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आपको SBI का क्रेडिट कार्ड में 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाएगा और ये सेल 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक चलेगा। और फ्लिपकार्ट में जो सेल होने वाला है रिपब्लिक डे सेल, ये सेल भी आपको 19 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में देखने को मिलेगा। और इस सेल में आपको SBI का नहीं मिलेगा, ICICI का क्रेडिट कार्ड और कोडक का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो ये रहा ऑफर। अब कौन सा मोबाइल बेस्ट है चलिए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 6,000 के अंदर कौन सा फोन बेस्ट है। तो मुझे लगा 6,000 के अंदर Redmi 8A सबसे बेस्ट मोबाइल है। मैं बहुत रिसर्च किया, उसके बाद मुझे नजर आया कि 6,000 में सबसे बेस्ट मोबाइल Redmi 8A बिक रहा है। 5,000 mAh का बैटरी है, बहुत अच्छा प्रोसेसर है और आपको एक ठीक ठाक वाला कैमरा भी मिल जाता है, नोच व्यू वाला आपको डिस्प्ले मिल जाता है। तो कुल मिलाकर बात करें तो Redmi का भरोसा और प्राइस रेंज बहुत कम है, तो आप इस मोबाइल को खरीद सकते हैं। इस मोबाइल में आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्राइस रेंज की बात करें तो 10,000 के अंदर कौन सा मोबाइल बेस्ट है। यार 10,000 के अंदर मैं बहुत सारा रिसर्च किया, काफ़ी सारा मोबाइल ऑलरेडी मार्केट में है, लेकिन मुझे जो नज़र आया वीवो U20 ये सबसे बेस्ट है। अभी वीवो U20 का प्राइस 10,000 लगभग 9,990 प्राइस रखा है, तो काफ़ी बेहतर कम प्राइस के अंदर आपको ये फ़ोन मिल जाता है, जिसमें आपको 5,000 mAh का बैटरी मिलता है, 18W का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, एक अच्छा आपको प्रोसेसर मिल जाता है। मतलब कुल मिला के बात करें तो एक बेस्ट फ़ोन हम लोग कह सकते हैं अभी 10,000 के अंदर। Redmi 8 भी है लेकिन ये फ़ोन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो Vivo U20 मेरे हिसाब से आप 10,000 के अंदर खरीद सकते हैं, ये सबसे बेस्ट फ़ोन होगा। नेक्स्ट प्राइस रेंज देख लेते हैं 12,000 के अंदर कौन सा मोबाइल बेस्ट है। 12,000 के अंदर भी मैं बहुत सारा रिसर्च किया, काफ़ी सारा मोबाइल है ऑलरेडी मार्केट में और कुछ कुछ मोबाइल तो ऐसा भी है जिसमें बहुत ज़बरदस्त फीचर्स है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा मोबाइल हमें खरीदना चाहिए। लेकिन मैं देखा Vivo Z1 Pro को जो कि 10,990 में मिल रहा है, तो काफ़ी बेहतर, मतलब बहुत सारा डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें आपको 5,000 mAh का बैटरी मिल जाता है, 4GB का रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, स्नैपड्रैगन का 1712 का प्रोसेसर मिल जाता है, तगड़ा प्रोसेसर, इसमें आपको पंच होल वाला डिस्प्ले मिल जाता है। कुल मिला की बात करें तो ये फोन मुझे लगा 11,000-12,000 के बीच में सबसे बेस्ट होगा, तो मेरे हिसाब से आप इस मोबाइल को खरीद सकते हैं और अभी Vivo का सबसे ट्रेंडिंग मोबाइल मुझे लगता है यही होगा। अब बात कर लेते हैं 14-15,000 के बीच में कौन सा मोबाइल बेस्ट है। तो यार बहुत सारा मोबाइल है ऑलरेडी, Realme का है, Redmi का है, काफ़ी सारा मोबाइल है, लेकिन मुझे जो लगा, मतलब दो मोबाइल मुझे लगा, पहला मोबाइल तो सैमसंग का है और दूसरा Redmi का है। तो चलिए सैमसंग का कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सैमसंग का जो मोबाइल है सैमसंग M30S, जिसमें आपको 6,000 mAh का बहुत बड़ा बैटरी मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग मिल जाता है और साथ में आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाता है, आपको एक बेहतर क्वालिटी का डिस्प्ले मिल जाता है और सैमसंग का भरोसा मिल जाता है। और सैमसंग का कैमरा क्वालिटी कितना अच्छा रहता है, डिस्प्ले क्वालिटी कितना अच्छा रहता है, ये तो आपको बताने का जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर बात करें तो सैमसंग का M30S मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इस मोबाइल का प्राइस तो ऑलरेडी बहुत है, लेकिन ये मोबाइल डिस्काउंट के साथ आपको दे रहा है 12,999 में, तो काफी बेहतर फोन आपको इतना कम प्राइस में मिल रहा है। तो 13,000 में मुझे लगता है ये मोबाइल आपको खरीदना चाहिए। और 14-15,000 के बीच में और एक मोबाइल जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो Redmi का है, Redmi Note 8 Pro। ये मोबाइल सबसे बेस्ट है अभी तक जितना भी मोबाइल लॉन्च हो जाए, मुझे तो लग रहा है कि ये मोबाइल सबसे बेस्ट है और पहली बार इस मोबाइल में आपको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो ये मोबाइल डिस्काउंट के साथ अभी 14-15,000 के अंदर सबसे बेस्ट मोबाइल है। अगर आपका बजट 14-15,000 है तो ये मोबाइल आप खरीद सकते हैं, अमेजोन में अवेलेबल है। इसमें आपको मीडियाटेक का हिलियो G90T प्रोसेसर मिलता है, जो कि आपको बहुत ही तगड़ा मतलब एक्सपीरियंस देगा। आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, क्वेट कैमरा का सेटअप है, आपको एक बेहतर क्वालिटी का डिस्प्ले मिलता है, आपको 4,000 mAh का बैटरी मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। तो काफ़ी सारा फीचर्स जो है इस मोबाइल में आपको मिल जाता है। इस मोबाइल का प्राइस जो है रखा गया है 13,999, डिस्काउंट के साथ आपको मिल रहा है। तो 14-15,000 के
बीच में अगर आप मोबाइल खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो इस मोबाइल को आप जरूर खरीद सकते हैं। अब एंट्री लेवल फोन देख लिया, मिड रेंज का फोन देख लिया, अब फाइनली बात कर लेते हैं फ्लैगशिप फोन के बारे में। तो ये फोन सबसे बेस्ट है, अगर 20,000 से लेकर 25,000 के अंदर आपका प्राइस रेंज है तो मुझे लगता है ये मोबाइल आपको खरीदना चाहिए, जो कि रेडमी की तरफ से आता है। तो रेडमी का K20 Pro जो मोबाइल सबसे बेस्ट है अभी, और ये मोबाइल जो है बहुत ज्यादा डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले इसका प्राइस लगभग 30,000 था, 29,000 लेकिन अभी आपको ये मोबाइल 22,999 में मिल जाएगा, जो कि 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। आपको इसमें स्नैपड्रैगन का 855 का प्रोसेसर दिया जाएगा, इसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, 4000mAh का बैटरी है, फास्ट चार्जिंग है। कुल मिला की बात करें तो ये फोन फ्लैगशिप फोन में सबसे बेस्ट है और बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आपको ये मोबाइल मिल जाएगा 22,999 में, तो ये मोबाइल को आप खरीद सकते हैं। तो यार ये था कुछ मोबाइल जो कि इस सेल में आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन में देखने को मिलेगा, और मुझे लगा ये मोबाइल सबसे बेस्ट है। आप दूसरा मोबाइल अगर खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो मुझे लग रहा है कि वो मोबाइल को छोड़कर आपको इस मोबाइल को खरीदना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो लाइक करें। इस मोबाइल के बारे में, इस सेल के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चाहे तो वीडियो शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।